हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ दिन बीच में वीडियोस नहीं आए थे, तो अभी मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है कि आपको डेली कहीं ना कहीं लाइव क्लास में आपका एंगेजमेंट कम दिखाई दे रहा था, और हो सकता है किसी को टाइम मिलता है नहीं मिलता है लाइव क्लास में जुड़ने का, तो डेली जो है वीडियोस देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो है एक वीक का पूरा जो है करंट अफेयर्स कंपाइल करके आपको एक वीडियो में दे दूँ, ताकि वीक में जब भी आपका टाइम मिले तो आप उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आप देख सकें। ठीक है, तो अभी आपको अब से मिलेगा, आपको वीकली वीडियो आपको मिलेगा, पूरा कंपाइल करके मिलेगा। डेली आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा जितना भी वीक का आपका जो भी करंट अफेयर्स रहेगा, जो भी न्यूज़ रहेगा पूरे वीक का, तो वो आपको कंपाइल करके एक ही वीडियो में दे दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो डेली वाला था उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस भी कम थे, तो अभी जितने भी मतलब क्वेश्चंस बनेंगे पूरे वीक के, तो वो आप बाद में आराम से देख सकते हैं, पूरे वीक में जब भी आपका टाइम मिले देख सकते हैं। तो वीकली आपको कंपाइल करके मैं आपको करंट अफेयर्स देने वाला हूँ। अभी आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने किसके साथ संयुक्त रूप से स्वदेशी रूप में विकसित लॉन्ग रेंज बम LRB का एक हवाई प्लेटफॉर्म से परीक्षण किया है? तो ऑप्शंस है ए नौसेना, बी थल सेना, सी वायुसेना, डी NSG। तो फ्रेंड्स, इसका जो है सही आंसर है वो है सी वायुसेना। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स ने होम लोन की पेशकश के लिए हाल ही में किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस है ए एक्सिस बैंक, बी SBI, सी ICICI बैंक, डी HDFC बैंक। तो फ्रेंड्स, इसका जो है राइट आंसर है वो है डी HDFC बैंक। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का तुसील नामक स्टेल्थ युद्धपोत किस देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शंस है ए रूस, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी, डी इज़राइल। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ए रूस। फोर्थ क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा दिए गए सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का पुरस्कार किस शहर ने जीता है? ऑप्शंस है ए सूरत, बी नासिक, सी दिल्ली, डी मुंबई। तो फ्रेंड्स, इसका जो है राइट आंसर है वो है ए सूरत। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने किस देश की यात्रा पर पहुँचे हैं? ऑप्शंस है ए अमेरिका, बी इटली, सी जर्मनी, डी इज़राइल। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वो है बी इटली। तो फ्रेंड्स, आपको बता देता हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जैसे प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में किस देश में पहुँचे हैं, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन इस चीज़ से आपको ये भी पता चलता है कि G20 शिखर सम्मेलन के बारे में कहाँ आयोजित हुआ, क्या हुआ, तो उसके बारे में आप जानना चाहेंगे। जैसे क्वेश्चन देखेंगे तो आपका ये सब चीज़ भी उसमें क्लियर हो जाएगा कि G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। तो एक ही क्वेश्चन में कई चीज़ें आप जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। भारत ब्रिटेन त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 24 से 27 अक्टूबर तक किस सागर में आयोजित किया गया? ऑप्शंस है ए दक्षिणी चीन सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी उत्तर सागर, डी अरब सागर। तो फ्रेंड्स, इसका जो है राइट आंसर है वो है डी अरब सागर। अरब सागर में ये जो अभी रिसेंटली एक्सरसाइज हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा रखने का निर्णय किया है? ऑप्शंस है ए गूगल, बी फेसबुक, सी ट्विटर, डी वाइबर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वो है बी फेसबुक। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का नया 105 मीटर लंबा जहाज का उद्घाटन किया गया है, उसका नाम क्या है? ऑप्शंस है ए सार्थक, बी सारथी, सी स्मार्ट, डी समुद्र प्रहरी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वो है ए सार्थक। 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने 5000 किलोमीटर रेंज के साथ सतह से सतह पर मार करने वाली किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शंस है ए Agni-5, बी Agni-3, सी Agni-4, डी धनुष। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वो है ए Agni-5। 10वां क्वेश्चन है,
हाल ही में जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए प्रोजेक्ट मुमकिन के तहत किस कंपनी ने 500 से ज़्यादा वाहन सौंपे हैं? ऑप्शन है ए टाटा, बी महिंद्रा, सी आइसर, डी अशोक लेलैंड। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वो है डी अशोक लेलैंड। अभी 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, 11th। हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2020 में शीर्ष पर कौन रहा? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ए कर्नाटक। अभी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी दक्षिणी कोरिया, सी रूस, डी चीन। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है बी दक्षिणी कोरिया। अभी 13th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 13वां प्रश्न। हाल ही में किस कंपनी को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए महिंद्रा, बी टाटा मोटर्स, सी TVS मोटर, डी बजाज मोटर्स। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है वो है सी TVS मोटर। अभी 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 28 से 30 अक्टूबर तक किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वो है ए छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स, 15वां क्वेश्चन यानी 15th क्वेश्चन है, इनमें से किसने स्वास्थ्य बीमा योजना की पेशकश के लिए हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ करार किया है? ऑप्शन है ए पेटीएम, बी गूगल पे, सी फोन पे, डी मोबीक्विक। ठीक है, ये यहाँ पे GOOGLE गूगल पे, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो फ्रेंड्स, इसका जो है राइट आंसर है वो है बी गूगल पे। अभी 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 16th क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने सैन्य तख्ता पलट के बाद प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया गया? ऑप्शन है ए केनिया, बी सूडान, सी नमीबिया, डी वेनेजुएला। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है वो है बी सूडान। अभी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने साल 2020 से जुड़ी रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के हिसाब से आत्महत्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। तो फ्रेंड्स, इसका जो है राइट आंसर है वो है सी महाराष्ट्र। अभी 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 18th क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को शामिल करने की मंजूरी दी गई है, यह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की योजना है? ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसका जो है राइट आंसर वो है बी दिल्ली। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश दिया है, क्योंकि जो अयोध्या है कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए उत्तर प्रदेश से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो योजना है वो दिल्ली सरकार की है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अभी क्वेश्चन नंबर 19th की तरफ चलते हैं, 19वां प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया गया है? ऑप्शन है ए 31 अक्टूबर, बी 29 अक्टूबर, सी 30 अक्टूबर, डी 27 अक्टूबर। तो फ्रेंड्स, सही आंसर है इसका ए 31 अक्टूबर। तो फ्रेंड्स, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है। तो जो है राष्ट्रीय एकता दिवस, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर, जो कि भारत के लोह पुरुष भी कहे जाते हैं, उनकी जयंती पर ये मनाया जाता है। उन्होंने जो है 565 रियासतों का भारत में एकीकरण किया था, भारत को इकट्ठा किया था, एकता के सूत्र में बांधा था। तो उनके जन्मदिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश की नई रक्षा मंत्री बनाया गया है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ब्रिटेन, डी इटली। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वो है बी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में शिशु मृत्यु दर में सुधार हुआ है, भारत के किस राज्य ने सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया है? ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वो है ए केरल। अभी 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन है ए 8वें, बी 9वें, सी 10वें, डी 21वें। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है बी 9वें। तो फ्रेंड्स इस वीक के, ठीक है, लास्ट वीक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने सभी आपको करा दिए हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।